तो आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 इंडिया वर्सेस नीदरलैंड के बीच हालांकि लीग स्टेज का लास्ट मुकाबला 12 नवंबर संडे को दोपहर 2 बजे यानी कि 2 PM पर यह मुकाबला बेंगलुरु के एम ए चिन्ना स्वामी स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच भिड़ंत होगी। तो भाई फ्रेंड्स बात करें तो हालांकि भारतीय टीम ने अभी तक आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में टोटल 8 मुकाबले भी खेल चुके हैं। हालांकि भारतीय टीम ने 8 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है। तो ये भारतीय टीम ने हालांकि क्वालिफाई भी कर लिया आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में। तो भाई फ्रेंड्स बात करें तो हालांकि नीदरलैंड्स की टीम आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 से बाहर भी हो चुकी है। हालांकि ये दोनों टीमों के लीग स्टेज का लास्ट मुकाबला खेलने जा रही हैं 12 नवंबर को। तो ये फ्रेंड्स बात करने वाले इंडिया वर्सेस नीदरलैंड हेड टू हेड रिकॉर्ड पिच रिपोर्ट बोथ टीम प्लेइंग 11 विन प्रेडिक्शन यानी कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें, वीडियो भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो भाई फ्रेंड्स बात कर दो इंडिया वर्सेस नीदरलैंड हेड टू हेड रिकॉर्ड, हालांकि दोनों टीमों के बीच अभी तक ओडीआई में 2 ही बार आमना सामना हुआ है। तो भारतीय टीम ने दोनों मुकाबलों में बाजी मारी है, तो नीदरलैंड की टीम को हार का भी सामना करना पड़ा है। तो वहीं फ्रेंड्स पिच रिपोर्ट्स की बात करें तो हालांकि यह मुकाबला बेंगलुरु के एम ए चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। यहां की पिच पर बल्लेबाजों को काफी मदद मिलती है, हालांकि बल्लेबाज इस पिच पर जमकर भी रन बटोरेंगे। तो वहीं फ्रेंड्स बात करें तो हालांकि इस पिच पर गेंदबाजों को कोई मदद भी नहीं मिलती है, हालांकि यहां की ग्राउंड भी आउटफील्ड भी काफी तेज है। तो फ्रेंड्स बात करो तो इस पिच पर हालांकि टॉस जीतकर सभी टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगी, क्योंकि इस पिच पर रन चेस करना सभी टीमों के लिए काफी आसान भी होता है। हालांकि इस पिच पर टोटल ओडीआई मुकाबला 26 खेला जा चुका है, जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम 11 मुकाबले में बाजी मारी है, तो दूसरे नंबर पर बैटिंग करने वाली टीम 14 मुकाबले में बाजी मारी है। हालांकि एक मुकाबला टाई भी रहा है इस पिच पर। तो ये फ्रेंड्स बात कर तो हालांकि इस पिच पर एवरेज स्कोर की बात कर तो 190 रन है। हालांकि हाईएस्ट स्कोर इस पिच पर न्यूजीलैंड की टीम 401 रन बनाई है, तो इंग्लैंड की टीम इस पर लोवेस्ट स्कोर भी 156 रन बनाई है। तो ये फ्रेंड्स अब बात करते हैं बोर्ड टीम प्लेइंग 11 की, हालांकि क्या रहने वाली है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। तो हालांकि इस तरह टीम इंडिया की प्लेइंग 11 है। तो पहले नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा, दूसरे नंबर पर शुभमन गिल, तीसरे नंबर पर विराट कोहली, चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर, पांचवे नंबर पर केएल राहुल विकेट कीपर, छठवे नंबर पर सूर्य कुमार यादव, सातवें नंबर पर रविंद्र जडेजा, आठवें नंबर पर मोहम्मद शमी, नौवें नंबर पर कुलदीप यादव, दसवें नंबर पर जसप्रीत बुमराह, ग्यारहवें नंबर पर मोहम्मद सिराज। तो यह फ्रेंड्स भारतीय टीम की प्लेइंग 11 जो कि नीदरलैंड की टीम का सामना करने उतरेगी मैदान पर। तो वहीं फ्रेंड्स बात करते हैं नीदरलैंड्स की टीम की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है भारतीय टीम के सामने। हालांकि पहले नंबर पर बेसली बोरेसी हैं, दूसरे नंबर पर मैक्स वार्ड हैं, तीसरे नंबर पर कालिन एकरमैन हैं, तो चौथे नंबर पर सिब्रांड एगलब्रेस्ट हैं, पांचवें नंबर पर स्कॉट एडवर्ड्स कैप्टन विकेट कीपर हैं, तो छठवें नंबर पर बेस्ट डी लेडी हैं, तो सातवें नंबर पर तेजा निदान नूरू हैं, तो आठवें नंबर पर लोगन वान बीक हैं, नौवें नंबर पर रिलोफ वांडर मर्व हैं, तो दसवें नंबर पर आर्यन दत्त हैं, ग्यारहवें नंबर पर पाल वान मिकेरेन हैं। तो यह फ्रेंड्स नीदरलैंड्स की टीम की प्लेइंग 11 जो कि भारतीय टीम का सामना करने उतरेगी मैदान पर। अब वही फ्रेंड्स बात करते हैं विन प्रेडिक्शन की, यानी कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी।
हालांकि फ्रेंड्स इसमें ज्यादा चांस है भारतीय टीम को जीतने के, क्योंकि भारतीय टीम ने अभी तक आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक एक भी मुकाबले का हार का सामना नहीं करना पड़ा है। हालांकि भारतीय टीम भी काफी मजबूत है नीदरलैंड्स के सामने। हालांकि दोनों टीमों के बीच दो ही बार आमना सामना हुआ जो कि भारतीय टीम ने दोनों मुकाबलों में बाजी मारी है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताएं कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।